हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल लाइक इट एंड शेयर इट फॉर योर क्वेरीज ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग मार्कोनिकॉफ्स ऑफ्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल को एक खराश इफेक्ट और परॉक्साइड इफेक्ट बोला जाता है ओके वाई दिस वीडियो ये वीडियो हम लोग क्यों बना रहे हैं बहुत बार जब तुम लोग मैकेनिज्म सॉल्व करते हो और एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म है तो जब एडिशन करते हो तो वो एडिशन उसी डबल बॉन्ड के पोजीशन पे क्यों होगी उसका लिखते लिखते या एक्सप्लेन करते करते हम लोग रीजन बोलते हैं दिस एडिशन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल सो व्हाट इज मार्कॉनिक रूल तो मार्कॉनिक रूल की जब बात करते हैं हम लोग या डिस्कस करते हैं तो हम लोग जनरली एक स्टेटमेंट कर देते हैं दैट इज हाइड्रोजन गोज टू अवर मोर हाइड्रोजनेटेड साइड दैट इज मार्कॉनिक रूल इज दैट नो इट इज़ नॉट एंड मार्कोनिक रूल इट इज़ समथिंग एल्स ये हमने एक जनरल स्टेटमेंट बताया है सिर्फ हाइड्रोजन वाले कंपाउंड की ही एडिशन नहीं होगी ऐसे भी कंपाउंड की एडिशन हम लोग कर सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हम लोग ये रूल कैसे अप्लाई करेंगे दैट इज हाइड्रोजन गोज टूअर्ड मोर हाइड्रोजनेटेड साइड मार्कोनिकॉफ रूल थोड़ा अलग है उसका कंसेप्ट क्या है वो हम लोगों को आज समझना है क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल बहुत जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं और जैसे मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करते हैं वैसे ही एंटी मार्कोनिक रूल यूज़ करते हैं उसी रूल को एंटी मार्कोनिक रूल को खराश इफेक्ट और परॉक्साइड इफेक्ट बोला जाता है सो so, हम आज एक शॉर्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स में मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक रूल का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे ओके सो दिस इज योर स्टार्टिंग मटेरियल हम लोगों ने एक ओलिफिन लिया है सो दैट इज नथिंग बट योर ब्यूटीन ओके वन ब्यूटीन लिया है हमने प्लस योर एच बी आर एच बी आर का एडिशन किया है ओके okay? जब विथ नो रिएजेंट ओके ये इंपॉर्टेंट है विथ नो रिएजेंट जब हम लोग विथ नो रिएजेंट ये रिएक्शन करते हैं दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ओके एट दैट टाइम वो जो हम लोगों ने जनरल स्टेटमेंट दिया है हाइड्रोजन गोस टू अर्ड मोर हाइड्रोजनेटेड साइड वैसे ये मार्कोनिक ऑफ रूल की तरफ से रिएक्शन फॉलो होती है देट इज हाइड्रोजन गोस टू अर्ड ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन गोस टूअर्ड मोर हाइड्रोजनेटेड साइड ओके और बचा हुआ जो बी है वो यहाँ जाता है उल्टा क्यों नहीं होता है बी आर यहाँ क्यों नहीं जाता है हाइड्रोजन यहाँ क्यों नहीं जाता है और यहाँ अगर एच बी आर की जगह कोई और स्पेसिस होती जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता तो हम लोग मार्कोनिक ऑफ रूल कैसे अप्लाई करते वो सब हम लोगों को देखना है सो ये एक्चुअली एच बी आर हम लोग ऐसे लिखेंगे एच प्लस बी आर माइनस तो एक्चुअल में तुम लोगों का मार्कोनिक ऑफ़ क्या बताता है यूर पॉजिटिव साइड गोज टूअर्ड पॉजिटिव साइड

एडिशन कैसे होगी देखो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा या ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेसिस पे अटैक करेगी सो so, इसका तुम लोगों का ये ब्रेकिंग कैसे है H प्लस बी आर माइनस सो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स H पे अटैक करेंगे बी आर माइनस हो जाएगा ओके okay? यहाँ देखो सो इट बिकम सी एच थ्री और ये बी आर माइनस हुआ ये बी आर यहाँ चला आएगा सो so, यहाँ तुम लोगों को ये स्पेसिस मिलेगी सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है क्या नहीं दूसरी भी पॉसिबिलिटी है यहाँ देखो अगर ये मैंने इस सी एच टू का अटैक हाइड्रोजन पे किया है अगर मैं इसका अटैक हाइड्रोजन पे करती हूँ और बी आर को माइनस करती हूँ तो क्या होगा देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच ये हाइड्रोजन इस पर आ गया तो सी एच टू फिर ये जो स्पेसिज है ये सी एच टू की स्पेसिज है वो पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ बी आर माइनस आएगा तो ये जो बी आर माइनस है यहाँ पे अटैक करेगा और तुम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसे रहेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू बी आर सो ये मार्कोनिकॉफ रूल का प्रोडक्ट है क्या नहीं ये है तुम लोगों के रूल का प्रोडक्ट एक्चुअली दिस इज मेजर वन ऐसा नहीं हम लोग बोल सकते कि ये प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा दैट इज माइनर वन दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर वाई दिस डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस दिस इज यूर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड दिस इज यूर प्राइमरी कार्बोकेटाइन जब ये मैकेनिज्म फॉलो होता है तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिलता है जब ये मैकेनिज्म फॉलो होता है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिलता है एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू योर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हम लोगों ने टर्प से प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ये सब देखा हुआ है जो हमने एक वन आवर का वीडियो बनाया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसमें ये जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एच प्लस बी आर माइनस कैसे होगा ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कौन ज़्यादा स्टेबल है क्यों ज्यादा स्टेबल है वो हमने सब देखा है वन आवर के एक लेक्चर में दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर वो आप लोग देख लो उसके बाद ये देखो ओके सो अगर ये रूल फॉलो होता है मार्कोनिकॉफ्स रूल क्यों फॉलो होता है क्योंकि यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉलो होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है दैट इज मोर स्टेबल इसलिए ये फेवरेबल रिएक्शन है या ये रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होती है और इसी को हम लोग मार्कोनिकॉफ्स रूल बोलते हैं ओके सो दैट इज ऑल अबाउट योर मार्कोनिकॉफ्स रूल ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तुम लोग एच प्लस में एडिशन करते हो देखो ओके एच प्लस आता है सो दैट इज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है और यहाँ एड होती है दैट्स वाई दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एबसेंस ऑफ नो रिएजेंट वी फॉलोज मार्कॉनिक ऑफ रूल एंड वॉट मार्कोनिक ऑफ रूल सेज यूअर पॉजिटिव पार्ट गोज टू अर्ड मोर हाइड्रोजिनेटेड साइड एंड निगेटिव पार्ट गोज टू अर्ड लेस हाइड्रोजनेटेड साइड वाई ऐसा क्यों होता है ड्यू टू दिस कार्बोकेटाइन क्योंकि जब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म किसके थ्रू फॉलो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन सो विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू यूर प्राइमरी कार्बोकेटाइन दैट्स वाइद ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का प्रोडक्ट है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हंड्रेड परसेंट यही प्रोडक्ट फॉर्म होता है नो दिस इज सिलेक्टिव नॉट स्पेसिफिक ये प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है बट वो लेस होता है बिकॉज ये लेस स्टेबल रहता है सो दिस इज आवर मार्कोनिक ऑफ रूल ओके नाउ एंटी मार्कोनिक ऑफ सूल एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज खराश इफेक्ट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड परॉक्साइड इफेक्ट और परॉक्साइड इफेक्ट ये तीन नाम एक ही है एंटी मार्कोनिक ऑफ खराश इफेक्ट एंड परॉक्साइड इफेक्ट ओके वाई परोक्साइड इफेक्ट बिकॉज इट इज दिस रिएक्शन इज कैर्ड आउट इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड दैट साइड इज कॉल्ड एड परॉक्साइड इफेक्ट मार्कोनिक ऑफ रूल की जो कंडीशन है दैट इज नो रिएजेंट अगर परॉक्साइड हम लोग ऐड करते हैं तो टोटली चेंज हो जाता है उल्टा हो जाता है जैसे हम मार्कोनिक ऑफ फ्रूल है वो टोटली रिवर्स हो जाता है दैट साइड इज एंटी मार्कोनिक ऑफिसूल ओके सो मार्कोनिक ऑफिस हमने देखा है नाउ एंटी मार्कोनिक ऑफिस सेम एग्जाम्पल हमने लिया एच बी आर का एडिशन किया बट नाउ इन प्रेजेंस ऑफ परॉक्साइड अब हमारा जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा या मेन प्रोडक्ट हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा दैट इज H प्लस एंड बी आर माइनस मार्कोनिक्स में हमने देखा था पॉजिटिव पार्ट गोज टू मोर हाइड्रोजनेटेड साइड एंड नेगेटिव पार्ट गोज टू लेस हाइड्रोजिनेटेड साइड दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल एंड वॉट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दैट इज पॉजिटिव पार्ट गोज टू लेस हाइड्रोजिनेटेड साइड एंड नेगेटिव पार्ट गोज टू मोर हाइड्रोजिनेटेड साइड ओके सो दैट इज योर प्रोडक्ट ये बहुत बार हम लोग मैकेनिज्म में करते हैं बट वाई वॉट इज एंटी मार्कोनिकोस्टूल ये रिवर्स क्यों हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट परोक्साइड तो परोक्साइड से मैकेनिज्म कैसे चेंज हो जाता है वो हमें देखना है क्योंकि मार्कोनिकॉफ्स का रोल रिवर्स कैसे हो जाता है ओके सो विल गो फॉर मेकेनिज्म सो परॉक्साइड हमने एक परॉक्साइड का एग्जाम्पल दिया था फिनिल का एक परॉक्साइड हमने लिया है उसका एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे सो परॉक्साइड इज नथिंग बट टू ऑक्साइड्स टू दो एक्टिव ऑक्सीजन है दैट इज पर ऑक्साइड्स ओके सो हम ये जो मेकेनिज्म है परोक्साइड का मेनिज्म फॉर योर फ्री दैट मेकेनिज्म इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म आयंस फॉर्म नहीं होते फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं ओके सो ये जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक होगा कोई भी परऑक्साइड तुम लोग ले लो उसमें दो ओ ओ कनेक्टेड रहेंगे कोई भी परऑक्साइड में तो उसको तुम लोग फ्री रेडिकल जैसे ब्रेक करोगे तो तुम लोगों को दो स्पेसिस मिलेंगी ओके okay? यहाँ मैंने फ्री रेडिकल मैंशन नहीं किया सो दैट इज फ्री रेडिकल ये स्पेसिस हमें दो मिले दैट इज सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ ओ ओ सेम दूसरा स्पेसिस मिलेगा दैट इज ट्वाइस सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ ओ ओ फ्री रेडिकल फिर से हम लोग क्या करेंगे ये जो सी सिक्स एच फाइव सी ओ है ये भी ब्रेक हो जाएगा ओके सो दैट इज नथिंग बट सी सिक्स एच फाइव फ्री रेडिकल और यहाँ तुम लोगों का सी ओ टू गैस बन जाएगा सो सीओ टू गैस रिलीज बन जाए रिलीज हो जाएगा सो यूर फर्स्ट में फर्स्ट जिसे तुम लोग आयन फॉर्मेशन बोलते हो या फ्रैगमेंटेशन बोलते हो मेकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप उसमें तुम लोगों को ये फ्रैगमेंट मिला है ओके सो दिस इज योर फ्रेगमेंट सी सिक्स एच फाइव जब तुम लोग परॉक्साइड यूज़ करते हो ये एच बी आर एड होने से पहले ये फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ वी गेट सी सिक्स एच फाइव एज अ फ्री रेडिकल और ये जो सी सिक्स एच फाइव है वो तुम लोगों का एच बी आर के साथ रिएक्शन करता है ओके जब सी सिक्स एच फाइव फ्री रेडिकल एच बी आर के साथ रिएक्शन करता है तो एच बी आर भी फ्री रेडिकल जैसे ब्रेक होता है ओके एच फ्री रेडिकल बी आर फ्री रेडिकल तो ये जो एच फ्री रेडिकल है इसके साथ कनेक्ट हो जाता है सो इट फॉर्म्स बेंजिन दैट इज सी सिक्स एच सिक्स ओके और बी आर फ्री रेडिकल मिलता है बी आर का फ्री रेडिकल मिलता है इसी के वजह से पूरा मैकेनिज्म चेंज हो जाता है अब बी आर जो फ्री रेडिकल मिलता है वो फ्री रेडिकल तुम लोगों का रिएक्शन स्टार्ट करता है सो बी आर फ्री रेडिकल ये जो तुम लोगों का स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमने लिया है स्टार्टिंग मटेरियल में बी आर फ्री रेडिकल ऐड होता है अब बी आर फ्री रेडिकल दो टाइप से ऐड हो सकता है जब ये फ्री रेडिकल है तो ये मेकेनिज्म पूरा फ्री रेडिकल जैसे वर्क करेगा मतलब यहाँ फ्री रेडिकल फॉर्म होगा एक फ्री रेडिकल यहाँ फॉर्म होगा एक फ्री रेडिकल यहाँ फॉर्म होगा तो बिहार के जाने के दो चांसेस है बिहार यहाँ भी जा सकता है यहाँ भी जा सकता है यहाँ देखो मैंने लिखा है फर्स्ट केस में बिहार यहाँ पर चला गया इस फ्री रेडिकल के साथ कनेक्ट हुआ तो हमें ये फर्स्ट प्रोडक्ट मिला ओके ये बाद में मैं लिखती हूँ यहाँ देखो Okay? ये फर्स्ट मिला बीआर कहाँ गया इसके पास गया और सेकेंड हमें क्या मिला है बीआर किसके पास गया है इसके पास गया है अब ये जो तुम लोगों के कार्बो फ्री रेडिकल फॉर फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए फ्री रेडिकल स्पेसिस फ्री रेडिकल स्पेसिस की जो स्टेबिलिटी है वो कार्बोकेटाइन जैसे ही होती है तुम लोग अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखोगे जैसे हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिस्कस की मार्कोनिकॉप्स में वैसे अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी तुम लोग डिस्कस करोगे सो इट इज सेम एज यूअर कार्बोकेटाइन दैट मीन्स यूर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल वैसे ही सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन यूअर प्राइमरी फ्री रेडिकल सो दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल सी एच टू फ्री रेडिकल ये है सी एच फ्री रेडिकल सो सी एच टू फ्री रेडिकल से ये जो तुम लोगों का सी एच फ्री है, वो मोर स्टेबल होगा तो ये जो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है ये 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 के साथ reaction करता है। है? है, है। कैसे होती ऐसे। मतलब जो हो जाता है. और बी बाहर निकल जाता है एज अ फ्री रेडिकल और दो बी आर बी आर कनेक्ट होकर बी आर टू रिलीज हो जाता है okay? so, ये इसके साथ react होगा. और सेकेंड हम लोग सेम रिएक्शन यहां भी होगी एच बी आर ओके तो ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा ओके okay? सो so, ये जो फर्स्ट केस हमने देखा है उस केस में हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है देखो तुम तो लोगों का ये जो सी एच है ये सी एच टू हो रहा है ये जो सी एच है ये सी एच है ये सी एच टू हो रहा है और इस सी एच टू को बी आर कनेक्ट है बिकॉज ऑफ दिस इसकी स्टेबिलिटी की वजह से ये मोर स्टेबल है इसके वजह से ये यहाँ कनेक्ट होता है बी आर तुम लोगों का बाहर निकल जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस योर प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है तो ये प्रोडक्ट मेजर मिलेगा दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा जहाँ बी आर यहाँ कनेक्ट होगा ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बी आर यहाँ कनेक्ट होगा हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट होगा ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा बट वो माइनर प्रोडक्ट होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या करेगा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉर्म करेगा दैट मीन्स योर पॉजिटिव साइड गोज टूअर्ड लेस हाइड्रोजनेटेड साइड एंड नेगेटिव साइड गोज टूअर्ड मोर हाइड्रोजनेटेड साइड बिकॉज दिस मैकेजम फॉलोज फ्री रेडिकल मेकनिज्म ओके इसलिए इसको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी बोला जाता है एंटी मार्कोनिक रूल को फ्री रेडिकल एडिशन मेकेनिज्म बोला जाता है ओके सो दैट इज ऑल अबाउट योर एंटी मार्कोनिक रूल हमारा प्रोडक्ट एक बार देखो क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू ये हाइड्रोजन सी एच ये फ्री रेडिकल और ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल कनेक्ट हो जाएगा सी एच टू सी एच टू बी आर ओके सो दिस इज आवर प्रोडक्ट यहाँ देखो ये दिस इज आवर प्रोडक्ट दिस इज आवर प्रोडक्ट ओके सो दैट इज ऑल अबाउट योर मार्कोनिक इसका लास्ट स्टेप आता है ये जो बी आर फ्री रेडिकल रहता है वो एक बी आर फ्री रेडिकल और दूसरा बी आर फ्री रेडिकल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और बी आर टू फॉर्म करते हैं सो दैट इज लास्ट स्टेप दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज लास्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप में तुम लोगों ने आयन फॉर्म किया वो आयन पहले सी जो फ्री रेडिकल फॉर्म किया था सी सिक्स एच फाइव उस फ्री रेडिकल के साथ ये एच का फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है और ये बेंजीन बाहर निकलता है यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके बाद ये फ्री रेडिकल फॉर्म होता है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे लास्ट इसमें ये जो अटैक होता है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ओके सो दैट इज़ ऑल अबाउट एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल अब ये जो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल है या मार्कोनिकोप्स रूल है ये जैसे डबल बॉन्ड में इफेक्टिव रहता है डबल बॉन्ड में रिएक्शन करता है वैसे वो ट्रिपल बॉन्ड में भी रिएक्शन करता है अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्शन लेते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस एच बी आर इन एब्सेंस ऑफ रिएजेंट इन एब्सेंस ऑफ रिएजेंट दैट मीन्स इट फॉलोज मार्कॉनिक ऑफ रूल दैट इज हाइड्रोजन पॉजिटिव साइड गोज टूअर्ड मोस्ट हाइड्रोजनेटेड साइड ओके सो सी एच थ्री सी यहाँ बी आर आएगा डबल बॉन्ड सी एच टू बट ये यहां स्टॉप नहीं होती है रिएक्शन फिर से एक एच बी आर एड होता है ओके सो सी एच थ्री सी बी आर अगेन हाइड्रोजन और पॉजिटिव साइड गोज टुवर्ड मोर हाइड्रोजनेटेड साइड बी आर सी एच थ्री ओके okay? इसका आई पी नेमिंग क्या होगा ये तुम लोग आई पी एस का जो लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है वन आवर का उसमें जाके देख लो ये दोनों लेक्चर की लिंक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर है और आई यू पी एस का जो लेक्चर है उसकी लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ ओके okay? मार्कोनिक ऑफ रूल में और दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कभी कभी क्वेश्चंस उसके ऊपर आते हैं थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है इसलिए वो बता रहे मैं तुम लोगों को हम लोगों ने एडिशन ऑफ एच का एग्जांपल देखा ओके okay? बट जब मार्कोनिक ऑफ रूल आया एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में हम लोग एच बी आर एच एफ एच सी एल एच आई इनका एडिशन अगर कंपेयर करने को आया तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है ओके सो रिएक्टिविटी अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो तुम लोग या तो साइज का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो फॉर एग्जांपल तुम लोग पीरियोडिक टेबल में देखने जाओगे एफ सी एल बी आर आई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है फ्लूरी की है तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी वॉट इज मीन बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टूअर्ड इट्सल्फ तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निगेटिविटी होगी वो उतना इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है और स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म करता है तो इसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा एफ उसके बाद सीएल इसके बाद बी और उसके बाद आयोडीन दैट मीन्स एफ का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा अगर इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये वीक ईजिली ब्रेक नहीं होगा और अगर ईजिली ब्रेक नहीं होगा तो वो ईजिली रिएक्ट भी नहीं होगा सो इट इज़ नॉट दैट मच ईजिली रिएक्टिव सो एफ सी एल बी आर आई किसकी इलेक्ट्रोनिगिटिविटी कम है इसकी कम है दैट मीन्स ये हाईली रिएक्टिव है उसके बाद बी आर की है तो ये उसके बाद रिएक्टिव है उसके बाद सी एल की है तो ये उसके बाद रिएक्टिविटी है दैट इज़ रिएक्टिविटी नॉट स्टेबिलिटी हाँ जो वीक बॉन्ड रहता है वो ईजिली रिएक्ट होता है तो आयोडिन बॉन्ड एच आई बॉन्ड ईजिली रिएक्ट हो एच आई मोलिक्यूल इजिली रिएक्ट होगा क्योंकि उसका बॉन्ड एज कम्पेयर टू दिस थ्री वीक बॉन्ड है क्योंकि आयोडन की इलेक्ट्रो निगेटिविटी कम है तो यह सबसे वीक है मतलब ईजिली रिएक्ट होगा उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद ये फ्लूरिन की इलेक्ट्रोन सबसे ज़्यादा है तो वो ईजिली रिएक्ट नहीं होता है क्योंकि एच एफ बहुत स्ट्रांग रहता है सो दैट इज़ ऑल अबाउट रिएक्टिविटी जब तुम लोग मार्कोनिक ऑफ़ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में अगर तुम लोगों को इसका कंपेरिजन आता है तो ये कंपेरिजन इस तरीके से है ये ईजिली रिएक्ट होगा उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद ये सबसे लास्ट ये रिएक्ट होगा क्योंकि फ्लूरिन की इलेक्ट्रोन सबसे ज़्यादा है नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था हम लोग दिमाग में रखते हैं मार्कोनिक और एंटी हाइड्रोजन गोस टूअर्ड मोर हाइड्रोजनेटेड साइडोटिवेटिव मोर हाइड्रोजनेटेड साइड और निगेटिव गोस लेस हाइड्रोजनेटेड साइड ऐसा रखो अगर फॉर एग्जाम्पल एसिड का एडिशन आता है एचओ सी एल एचओ बी आर एचओ आई तो इसका तुम लोगों का ये कैसे रहता है पॉजिटिव अब इसमें एच है ही नहीं ओके एच ओ बी आर एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं दैट इज सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और उसमें एच ओ बी आर का एडिशन करते हैं दैट इज़ नथिंग बट हाइपोहैलस एसिड एच ओ सॉरी एच ओ बी आर अब इस एच ओ बी आर में हम लोग मार्कोनिक रूल फॉलो कर रहे हैं परऑक्साइड नहीं ऐड कर रहे हैं सो इट फॉलोज मार्कोनिक रूल सो so, ये जो तुम लोगों का बी आर है वो पॉजिटिव एक्ट करेगा और एच ओम है वो निगेटिव एक्ट करेगा सो पॉजिटिव चार्ज गोज टुवर्ड मोर हाइड्रोजेनेटेड साइड सी एच थ्री अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ओके सी एच थ्री सी एच और निगेटिव पार्ट गोज टूअर्ड लेस हाइड्रोजेनेटेड साइड ओ एच सो सी एच टू बी आर देखो अलग लग रहा है ना जनरली हमारे दिमाग में क्या रहता है हाइड्रोजन गोज टूअर्ड मोर हाइड्रोजेनेटेड साइड बट यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं पॉजिटिव कौन है बी आर है तो बी आर कहाँ जाएगा मोर हाइड्रोजनेटेड साइड में हाइपोहैलस का एग्जाम्पल बहुत बार नेट सेट गेट एग्जाम में आता है और हम लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी इसका ब्रेकिंग भी हम लोग गलत करते हैं एच प्लस करके ब्रेकिंग करते हैं विच इज़ वेरी रॉन्ग ओके हाइपोहैलस एसिड का ब्रेकिंग एच ओ माइनस सी सी एल प्लस बी आर प्लस आई प्लस ओ एच माइनस ऐसे रहता है ओके सो दैट इज़ ऑल अबाउट यूर मार्कोनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल अब जब भी तुम लोग कोई मैकेनिज्म सॉल्व करोगे और जब बोलोगे हाँ इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ्स रूल इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल तो उसको सोचो समझो बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है इंटरव्यू इंटरव्यू में पूछा जाता है नेट सेट गेट के एग्जाम में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं तो उसको गलत मत करो ओके थैंक यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक इट एंड शेयर इट Thank you.